नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज वन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। गुजरात की जीत के बाद चारों तरफ बीजेपी की जीत के डंके बज रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई महारथी नहीं। वाकई ये बात सच है। गुजरात में जिस तरीके से पूरे के पूरे विपक्ष को धराशायी कर दिया बीजेपी ने, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है। इस जीत के बाद जो तमाम विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात की जनता गुजरात मॉडल को तबाह नहीं करना चाहती। जब भी वो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात को सोचते भी हैं तो उनके दिलो दिमाग में ये बात आती है कि गुजरात मॉडल का क्या होगा। अगर उन्होंने बीजेपी को हरा कर किसी और पार्टी को वहां पर स्थापित कर दिया तो विकास का क्या होगा? विकास रुक जाएगा, विकास के पहिए रुक जाएंगे। वाकई ये बात सच है। गुजरात के मॉडल का जो जो लोग मजाक उड़ाते रहे हैं, आज लोगों के बीच में वो लोग मजाक बनकर रह गए हैं। लेकिन इसके पीछे और भी कहानी है। गुजरात की इस प्रचंड जीत के एक स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी के बारे में आम आदमी नहीं जानता, और वो स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं। और वो स्ट्रैटेजी ये है कि ये दोनों नेता जनता की नब्ज समझते हैं, जनता के इमोशंस को समझते हैं। नरेंद्र मोदी को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि गुजरात में कितने सालों से उनकी सरकार है, और जो लोगों की आदत होती है वो कहते हैं, कहावत है कि रोज रोज लोग रोटी खाने से भी उब जाते हैं, और वो तो सरकार है, इसलिए कुछ ना कुछ उनको चेंज चाहिए। आपको याद होगा जब विजय रूपाणी वहां के सीएम थे तो अचानक जिस तरह से ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ के मंत्रिमंडलों को बर्खास्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री का चेहरा रातों रात बदल दिया गया, भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया गया। इसके पीछे कहानी ये थी कि जनता की नज़रों में उन लोगों की एंटी इनकम्बेंसी थी। प्रधानमंत्री को ये बात मालूम थी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार जोर मारेगी, और जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होगी उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है, और गुजरात में अगर नुकसान हुआ तो ब्रांड मोदी को नुकसान होगा। और इसी वजह से वहाँ के सीएम को बदला, वहाँ के जो तमाम मंत्री थे उनको बदल दिया, तो जो लोगों के बीच में एक एंटी इनकम्बेंसी थी वो दूर हो गई। अब लोग नई सरकार पर विश्वास करने लगे, नए मुख्यमंत्री पर विश्वास करने लगे, और नतीजा ये हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लोग चुनावों को सीरियस नहीं लेते, वो चुनावों को पिकनिक मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव में रहती है, और गुजरात जो चुनाव था, लोग कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह लगातार गुजरात पर फोकस उन्होंने कर दिया है, जमीन हिली हुई है, गुजरात की चिंता उनको सताने लगी है। दरअसल उनको चिंता नहीं थी, बस वो परफॉर्मेंस और बेटर करना चाहते थे। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो मैं कह रहा हूँ सीएम बदलने की बात, ये इत्तेफाक है। ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बदले, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अब आप एक छोटे से चुनाव को देखिए। मुझे 2017 का एमसीडी का चुनाव याद है कि जितने भी प्रत्याशी एमसीडी के थे भारतीय जनता पार्टी के, उसने सारे प्रत्याशियों को बदल दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। तो आप देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, जबकि ये कहा जा रहा था कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का विरोध बहुत ज़्यादा है। उसके बाद चलते हैं उत्तराखंड पर। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया गया। बाद में जब प्रधानमंत्री और अमित शाह के पास ये सूचना पहुंची कि वहाँ के सीएम की खिलाफत बहुत ज़्यादा है और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते हुए चुनाव लड़ा तो चुनाव हार सकते हैं, तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री ने तुरंत फैसला लिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल दिया वहाँ से। उसके बाद तीरथ सिंह रावत का नाम आया। तीरथ सिंह रावत भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में उलझ कर रह गए, उनको भी बदल दिया गया। फिर पुष्कर सिंह धामी मैदान में आए, और देखिए उत्तराखंड के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर एक टर्म में भारतीय जनता पार्टी रहती है, दूसरे टर्म में कांग्रेस आती है, यानी कि ये वहाँ का रिवाज है। लेकिन
जब वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया गया तो सरकार वहां पर लौट गई। देखिए, जनता के बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है या पार्टी के नेताओं में, वो मुख्यमंत्री के फेस को लेकर होती है। जब उस फेस को ही बदल दिया तो जनता को लगा कि कुछ एक्शन हो रहा है, और एक्शन हुआ तो जनता सेटिस्फाई हो गई कि भाई जो जिस पार्टी में हम ट्रस्ट करते हैं वो पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल रही है। तो पार्टी ने फिर आलाकमान पर, जो जनता है उन्होंने आलाकमान पर विश्वास किया, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में बड़ी जीत मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें येदियुरप्पा की, देखिए वो भी भ्रष्टाचार के मामले में घिर गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ भी एक्शन करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसके अलावा उसमें वहाँ पर आप देखिए जो बसवराज मुंबई थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा के जो सीएम हैं, जो विप्लव देव हैं, उनको वहाँ से बदल दिया गया, मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब आप देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है, जहाँ जहाँ बीजेपी ने जनता की नब्ज को समझते हुए कार्रवाई समय पर कर दी वहाँ पर उनकी जीत होती है। लेकिन अब आप चलिए हिमाचल पर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली वहाँ पर उनकी हार हुई। हिमाचल में ये लोग रिवाज बदलने चले थे, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि राज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा साहब। वहाँ पर भी हिमाचल में बहुत विरोध था मुख्यमंत्री का, जयराम ठाकुर का, लेकिन आलाकमान वहाँ की जनता की नब्ज को नहीं समझ पाई और वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए मध्य प्रदेश छिन जाता है, राजस्थान छिन जाता है, छत्तीसगढ़ छिन जाता है, ये सब इसलिए छिने क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में दो दो बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था, मध्य प्रदेश में भी यही हाल था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नज़र में ये बात आ गई है कि जिस भी स्टेट में चुनाव होगा अगर वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल है तो उस मुख्यमंत्री को बदलने में वो बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे, ये बात आप तय मानिए। तो जो भी मुख्यमंत्री मेरे इस वीडियो को सुन रहे हों और आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो यकीन मानिए अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जनता की नज़रों में आपकी एंटी इनकम्बेंसी है, तो कभी भी दिल्ली आपको बदल सकता है। और ख़ासतौर पर छोटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए मेरी ये सलाह है कि अपने अपने राज्यों में अच्छा काम करें, जनता की नज़रों में हीरो बने, भ्रष्टाचार से दूर रहें, क्योंकि अगर आलाकमान को एक बार भी जानकारी मिल गई कि भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री जरा भी गड़बड़ कर रहा है और उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो मोदी जी बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। और छोटे राज्यों पर तो उनकी निगाह बहुत रहती है। अब आप उत्तर प्रदेश को देखिए कि यहाँ के सीएम योगी का की जो परफॉर्मेंस है कितनी शानदार थी, इसलिए वो रिपीट भी हुए। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो लगातार बड़े मंचों से योगी जी की तारीफ भी करते हैं। तो आप देखिए कि स्ट्रेटजी कितनी शानदार है विपक्ष के लिए। कई राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस ही नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जहाँ स्पेस होगा वहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से हावी होगा। गुजरात की जीत पर एक बार फिर से मैं आता हूँ। जो ये गुजरात की जीत है, इतनी प्रचंड जीत, अगर मैं वोट शेयर की बात करूं तो मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को मात्र 80 लाख के आसपास वोट मिला है। आम आदमी पार्टी जो दम भर रही थी कि भी सरकार बनाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे, उन्हें महज 40 लाख के आसपास वोट मिला है। समाजवादी पार्टी की भी वहाँ पर एक सीट निकली है 90,000, बीएसपी को 1.5 लाख, एनसीपी को 70,000 के आसपास, और जो मुस्लिमों की पार्टी है AIMM उनको करीब 90,000 के आसपास वोट मिला है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि 5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इसके अलावा जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, निर्दलीय लोग लड़े हैं,
उनको 13 लाख के आसपास वोट मिला। अगर ये सब लोग मिल भी जाते तब भी बीजेपी के साथ जो वोट बैंक खड़ा रहा है, जो तटस्थ है, उसको छू नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का विकास भी है, और जो जनता की नजरों से प्रधानमंत्री ने एंटी इनकम्बेंसी दूर की वो भी एक रणनीति है।